दोस्तों, क्या आपको पता है जीवाणु की खोज एंटनी वॉन ल्यूनहॉक ने की थी। इन्होंने दांत की खुरचन के बीच जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी में देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। एरेनबर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया। वी पास्चर ने बताया कि किण्वन जीवाणुओं द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने बताया कि मानव में तपेदिक व हैजा जीवाणुओं के द्वारा होता है। ल्यूनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पितामह कहा जाता है। जीवाणु का अध्ययन जीवाणु विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ये प्रायः सभी जगह पाया जाता है जो जल, थल, मिट्टी, पानी, भोजन, जीव व मृत पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। भोजन का विषाक्त होना किस संदूषण के कारण होता है? तो यह क्लास्ट्रोडियम के कारण होता है। मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एस्लिकिया कोली है। किण्वन में उपयोग होने वाला जीवाणु एसिटोबैक्टर एसिटी है। मानव में जीवाणु जन्य रोग हैजा, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, तपेदी, कोड, टिटनस, काली खांसी है। तो इसी प्रकार के फैक्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।